हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आखिर एसएससी जीडी 2023 की कट ऑफ क्या जा सकती है। हालांकि इसका कट ऑफ अभी निर्धारित नहीं कर सकते, इसका ऑफिशियल कट ऑफ जब इसका आंसर की आ जाएगा तब इसका एक्यूरेट कट ऑफ पता चलेगा कि इतनी जा सकती है। तो दोस्तों, अभी तो इसका एक्सपेक्टेड कट ऑफ हम मालूम कर सकते हैं कि इतना उम्मीद है कि इतना जा सकता है। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, बहुत सारे भाई का कमेंट आया होता कि भाई मेरे इतने क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट किया तो क्या मेरा एग्ज़ाम निकल जाएगा, मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। तो दोस्तों, उनको बताना चाहता हूँ कि क्वेश्चन अटैम्प्ट करना और उनमें से सही क्वेश्चन करना बहुत अंतर है दोस्तों। तो दोस्तों, मैं जितने कट ऑफ बताने वाला हूँ, अगर आपका उतना है, उतना आपने अटेम्प्ट किया वो सही सही है तो आप सेफ स्कोर पे हो दोस्तों। तो और जब मैंने एग्ज़ाम देने के लिए गया हुआ था तो मैंने वहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट से मैंने पूछा कि कितने क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किया और सही कितने हो सकते हैं। तो दोस्तों, सबका जवाब लगभग सेम ही आया। तो उसके अनुसार मैं ये बता सकता हूँ कि कितने कट ऑफ जा सकते हैं। हालांकि बहुत मैंने एक वीडियो बनाया था, एग्ज़ाम रिव्यू दिया था, उनमें भी बहुत सारे भाई का कमेंट आया था कि भाई मैंने इतने क्वेश्चन अटैम्प्ट किए, इतने क्वेश्चन अटैम्प्ट किए, इतना में हो जाएगा क्या, महाराष्ट्र से हूँ, यूपी से, हरियाणा से हूँ, इतने में हो जाएगा क्या, इसका कट ऑफ क्या जा सकता है। तो दोस्तों, हर राज्य का कट ऑफ तो नहीं बता सकता हूँ, लेकिन एक मतलब एक एवरेज कट ऑफ बता सकता हूँ कि इतने के बीच में अगर आपका है, चाहे आप किसी भी राज्य से हो, तो आपका कट ऑफ हो जाएगा दोस्तों, एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा दोस्तों। आप टेंशन ना लो, आप सेफ स्कोर पे हो। तो दोस्तों, फाइनली मैं उसका कट ऑफ बता देता हूँ कि कितना जा सकता है। तो दोस्तों, अगर आपने 55 से लेकर 65 तक अगर आपका क्वेश्चन एकदम सही सही क्वेश्चन किए हों, उनमें से मतलब उतना क्वेश्चन सही है, अटेम्प्ट सही है, उतना नंबर आ रहे हैं, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा दोस्तों। आपका मेरिट भी बन जाएगा, आप मेरिट में भी बाहर नहीं होंगे 55 से लेकर 60 तक। अगर आपने 55 क्वेश्चन सही किए हैं तो आपका नंबर 110 नंबर आ रहा है दोस्तों। तो 110 नंबर में आराम से हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि एक क्वेश्चन एक दो नंबर का रहता और आपने लगभग 60 क्वेश्चन सही किए हैं तो 120 नंबर हो जाएगा दोस्तों। 120 नंबर भी बहुत बहुत ही ज़्यादा नंबर है, इतना में तो मेरिट बन जाएगा, कहीं नहीं आप छटोगे। तो दोस्तों, अगर आपका 55 से 65 के बीच में आपने क्वेश्चन सही किए हैं तो दोस्तों आप फिजिकल की तैयारी कर सकते हो अगर आप चाहो तो, या आप वेट भी कर सकते हो आंसर के आने तक, उसके बाद आप फिजिकल की तैयारी कर सकते हो। लेकिन आप देख लीजिएगा क्या करना है, लेकिन आंसर के आने तक आप वेट ही कर लीजिए तो ठीक है, उसके बाद आप फिजिकल की तैयारी कीजिए, आंसर के तुरंत ही आ जाएगा, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद 1 से 1.5 महीना में आंसर के आ जाएगा दोस्तों, उसके लिए टेंशन मत लीजिए। और दोस्तों, ये जो कट ऑफ मैंने बताया है ये मैं अपने अनुसार बताया हूँ, मैंने जिस स्टूडेंट से मैंने पूछा और कमेंट सेक्शन में मैंने देखा, बहुत सारा स्टूडेंट सारा मिला के मैंने कट ऑफ तैयार किया हूँ। अगर आपने अगर 55 से 65 के बीच में आपका कट ऑफ आ रहा है तो दोस्तों आप सेफ हो, आप टेंशन मत लीजिए। तो दोस्तों, आप हमें कमेंट कीजिएगा कि क्या इतनी कट ऑफ जा सकती है या इससे ज़्यादा जा सकती है कट ऑफ। तो दोस्तों, आपका कमेंट का इंतज़ार रहेगा, आप कमेंट कीजिएगा कि इसका कट ऑफ आखिर एक्चुअल क्या जा सकती है, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। और ये वीडियो है पर एंड करता हूँ, मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, और कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों। बाय।